प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा से लौटकर 15 जुलाई को यूएई जाएंगे। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, सीएम केजरीवाल ने बोला आपातकालीन बैठक। दिल्ली पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 की लागू। दिल्ली दंगों से जुड़े 5 मामलों में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली में गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास टुकड़ों में मिली लड़की की लाश। दिल्ली के मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश की वजह से पाताल गंगा में भूस्खलन। बंगाल पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती के बीच मालदा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हुई हत्या। मुख्तार अंसारी पर 24 जुलाई को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, सजा पर रोक की लगाई है गुहार। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कसोल में फंसे 2000 पर्यटकों को निकाला गया। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जघीना की गोली मारकर हत्या, जयपुर से भरतपुर कोर्ट लेकर आ रही थी पुलिस। केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने के मामले में 6 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट, अब तक 18 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। झारखंड के धनबाद में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की पत्नी सीता दहल का कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।